हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे नए घर का स्टोव इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो करंट घर से हमारा जो नया घर है वो 1 आवर जर्नी है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, काम चल रहा है देखने, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, तो देखते रहिए। हेलो एवरीवन, 1 आवर ट्रैवल करके मैं आ गई नए घर के सामने। आज यहाँ पे काम हो रहा है स्टोव और सिंक का। तो पिनाक आ चुके हैं सुबह सुबह मॉर्निंग, क्योंकि उन लोग मॉर्निंग आने वाले थे। तो मैं अलीशा को स्कूल ड्रॉप की, और ड्रॉप करके मैं भी जा रही हूँ। मैं सोची घर में बैठ के क्या करूँ, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, नए घर का काम देखना भी हो जाएगा, सो मैं आ गई। तो वीडियो को देखते रहिए। काम चल ही रहा है, अंदर पार्क बनेगा, और हमारे घर के सामने ये सब शॉप है, तो टेंशन नहीं है। आज लिफ्ट में क्या हुआ, नक्शा कुछ पर्दा वर्दा लगा के रखा लिफ्ट में। हाय, हम आपके घर में आए हैं। चाय पानी का व्यवस्था किया कि नहीं आपने मेरे लिए? लगा दिया स्टोव? ओह, इतना लगा इसे। क्लोजो करा जाए इटा। ओह, इटा बहुत अच्छा लगा। कौन कौन है प्लग लगाई से? ओके, तो नीचे की किया तो बड़ा आई मीन छोटा जिस बड़ा अच्छा बना था ड्रॉ टाइप रखा था ना। हम्म, और इटा मेनू जिससे पढ़ते होते ये जगह टा तो मेनू आई डोंट नो, इसमें सब बर्तन हम रख पाएंगे कि नहीं, जैसा भी रखते हैं ना पड़ा जाए, मेरे सब पड़े तो করা যেত লাগে না, এটা সব করা যায় তো এখানে। এন্ড দিস ইজ আওয়ার ওভেন, সিঙ্ক লাগাইতে আইবো না। ওকে, তো ইয়ে লাগায়া আজ সুবে সুবে আকে, আবি সিঙ্ক ভি লাগা দেঙ্গে, উসকে বাদ উসি হিসাব সে হাম কিচেন অর্ডার করেঙ্গে। তো পিনাক নে আপনা ল্যাপটপ ওয়াহাঁ পে রাখা। और ये क्लिप मेरे आने से पहले पिनाक ने लिया था, जब वो आके स्टोव इंस्टॉल कर रहे थे। सुबह हम लोग को धूप मिलेगा, देखिए सुबह सुबह अभी 9:30 ही हुआ है, और धूप मेरे बैल्कनी में, वाओ कितना मज़ा आएगा। धूप में हम बैठेंगे यहाँ पे और धूप देखेंगे। ये देखिए सनलाइट। मॉर्निंग वॉक के लिए भी बढ़िया प्लेस, और यहाँ पे अलीशा खेल भी पाएगी, और उस साइड पार्क है, हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद घूमने। नए घर के बालकनी से धूप का आनंद लिया जा रहा है, कितना मज़ा है ना सुबह सुबह धूप आना। मैं सोच रही थी सुबह सुबह धूप आए मेरे घर पर, और ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लावर पॉट लगा देंगे, मस्त लगेगा दिखने में। तो ना इटा वुडन हो ना, है दिस इज वुड ना। किंतु मजा रोद आए किंतु ना, तो इतना अच्छा धूप, तो फोटो तो एक बनता ही है। हम लोग कहाँ पे बैठे? नीचे। वो
वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है, सिंक लगाने में सो गया, स्टिल वेटिंग। ना चेयर है इस घर में, ना पानी, पानी तो नल है लेकिन पी नहीं सकते ग्लास में। तो हम लोगों ने बहुत देर वेट किया और लेटर बॉक्स में लेटर था कि जो सिंक है वो आने में टाइम लगेगा, इसका मतलब मेरे आने के बाद भी सिंक नहीं आएगा, तो मैं बर्तन कहाँ वॉश करूँगी, बाथरूम में, बाथरूम के बेसिन में करना होगा आई थिंक। तो ये आने के बाद भी लेट होगा, उसके बाद ही हम किचन ऑर्डर दे सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, क्या क्या है यहाँ का एरिया थोड़ा देख लेते हैं। आज सिर्फ यही इंस्टॉल हुआ है, ऐसे ही वेट कर रहे थे, लेटर अभी देखा हम लोगों ने, तो हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये है पास वाला एरिया, हम लोग देख रहे हैं पास में स्कूल अगर है तो आज देख के जाएंगे। एरिया तो बहुत अच्छा है, डोंट नो वेयर इज द स्कूल, टेबल टेनिस खेल तो पड़ रहा है स्कूल को ऐसे में उठे तो कथा कह जाए। हाँ तो ये एक स्कूल है घर के पास ही, और एक है वो भी देख के जाएंगे, उसमें बात कर लेंगे क्योंकि वो शायद से वेलकम स्कूल है, उसका डिटेल्स मैं वहाँ जाने के बाद ही बोल सकती हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो विल गो देयर, वहाँ जाके देखते क्या बोलते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर यही होगा अलीशा का स्कूल, फ्यूचर स्कूल कुछ ही दिनों बाद। स्कूल तो बहुत ही पास है घर के, अब थोड़ा जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं मैं और पिनाक मिल के। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक प्लेग्राउंड है दिख रहा है मुझे, ये देखिए। यहाँ पे स्कूल का टेंशन नहीं होता है क्योंकि हाँ जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे पब्लिक स्कूल आपको मिल ही जाता है। हाँ बायलिंगुअल स्कूल का ज़रा प्रॉब्लम होगा कि बायलिंगुअल सिटी सेंटर में ही है सारे। तो हम लोग इधर उधर घूम के आ गए घर के पास वाले शॉप में, ये तुर्किश रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से हम अपना लंच लेके चले जाएंगे। हम लोगों ने ले लिया लंच, डोनर, चिकन डोनर। तो घर के पास अच्छा ही शॉप है, हमारे लिए अच्छा होगा है ना कभी कभी मन नहीं किया तो लंच डिनर हो जाएगा यहीं से। और ये घर के पास ये ट्रैम स्टेशन भी है, तो अब हम ले लेंगे ट्रैम घर के लिए, फिर वहाँ से ट्रेन एंड देन बस। बहुत ही सुंदर एरिया है, ब्यूटीफुल। बाद में ये सब जगह एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इस एरिया में स्कूल तो पास ही है अलीशा के लिए, और किटा भी है किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो घर के पास हम लोग को बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल गया है। तो बस आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, यही था हमारा ब्लॉग सुबह से बस घर में बैठे थे। तो आज हमारा स्टोव इंस्टॉलेशन हो गया, सिंक का टाइम है अभी, हमारे आने के बाद ही होगा वो, तो बहुत ही जल्द हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ का व्लॉग आएगा अच्छा अच्छा सा, अच्छा अच्छा व्यू लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्लॉग्स। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।